बिहार विधानसभा की लड़ाई 2025 में है, लेकिन कौन होगा भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा यह अभी तक तय नहीं है। लेकिन आज जो तस्वीरें राजधानी पटना में लगाई गई हैं सम्राट चौधरी के जन्मदिन के मौके पर, ये तस्वीरें राजनीति में भूचाल ला सकती है। जी हाँ, सबसे पहले हम राजधानी पटना के चौराहे पर लगी ये तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, जहाँ सबकी नज़रें पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, विजय कुमार सिन्हा और हरी सहनी के साथ साथ महाभारत के उस दृश्य को दिखाया गया है जिसमें अर्जुन की भूमिका में सम्राट चौधरी हैं और कृष्ण की भूमिका में तेज प्रताप यादव हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और हाथों में शंख लिए कृष्ण की भूमिका में रथ की कमान संभाले लिखा हुआ है बिहार के भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बिहार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह तस्वीर राष्ट्रीय यादव विचार मंच की तरफ से लगाई गई है। नीचे जो तस्वीर है ऋतिक यादव की, वो भाजपा के नेता हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी ने यह तय कर लिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी होंगे, या ये तेज प्रताप यादव के उस बयान का असर है जिसमें उन्होंने चुनौती दी थी नित्यानंद राय को। बाएं तरफ भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, प्रदेश कार्यालय है, और कार्यालय के इस बड़े से पोस्टर के बीच में कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो सम्राट चौधरी जी की है। सम्राट चौधरी के साथ कृष्ण की भूमिका में तेज प्रताप यादव, ये बताइए कि ये तस्वीरें क्या कहती है? ये तस्वीरें कह रही है कि बहुत जल्द बिहार में भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पांच जन का शंख बजा करके महाभारत की रणभेदी में गगनचुम्बी की ओर भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर 2024 के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी के साथ, और 2025 में भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, जिनका जन्मदिन है आज, उनको जन्मदिन पर अशेष शुभकामनाएं बधाइयां, क्यों कि ईश्वर हे भगवान सदाशिव उनकी उम्र लंबी करो, और ताकि बिहार का संपूर्ण विकास हो, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो। और ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि महाभारत के रथ पर सम्राट चौधरी सवार होकर अर्जुन के भांति तीर और बाण कमान संभालते हुए, तो ये कौरवों का सर्वनाश भारतीय जनता पार्टी करेगी और फिर से कृष्णराज यदुवंशियों के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के एक नया अध्याय और नया बिहार के साथ लिखेगी। तेज प्रताप यादव की एंट्री कैसे करा ली आप लोगों ने? तेज प्रताप यादव जी का फोटो कहाँ है? भाई तेज प्रताप यादव जी का अगर आपको फोटो नजर आता है, देखिए सबका देखने का नजरिया अलग है, तो एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार में एक ही व्यक्ति है जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा देव भक्त है, वो तेज प्रताप यादव है। हमको बोलने में कोई गुरहेज, कोई परहेज नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव जी चाहते हैं कि हम कृष्ण के भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के रथ पर आकर के सवार हो, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। बिल्कुल, तो देखा आपने साफ तौर पे हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहता है, और तस्वीर पोस्टर वार के जरिए पॉलिटिकल वार के रूप में कब बदल जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।